पहले आपको बताएंगे और आपको लिए चलेंगे कराची, जहां फारूक सत्तार मीडिया से गुफ्तगु कर रहे हैं। तो इजलास में फैसले तो जब होंगे जब इजलास खुद आईनी इजलास होगा। अगर इजलास ही गैर आईनी है तो फिर उसके सारे फैसले भी गैर आईनी हैं। मैंने तमाम गैर आईनी फैसलों के बावजूद, चाहे वो नाम नहाद दो तिहाई अक्सरियत से हो या नाम नहाद सादा अक्सरियत से हो, या वहां गिनती हो भी रही है या नहीं, जो लोग मौजूद नहीं है उनको भी जबरदस्ती उसमें शामिल किया जा रहा है, ये एक अलग कहानी है। पहला इजलास गैर आईनी, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर आईनी, उसके सारे फैसले गैर आईनी, उसके बाद के इजलास गैर आईनी, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर आईनी, उसमें सुनाए गए फैसले गैर आईनी, उसमें जो नामजदगियों के लिए नाम दिए गए वो गैर आईनी, और फिर उसके बाद तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक के चारों पुराने उम्मीदवारों को विड्रॉ करते हैं हम और नए चार उम्मीदवार देंगे। चुनाचे आप भी फॉर्म जमा कराएं, हम भी फॉर्म जमा कराते हैं। हमने फॉर्म जमा कराए और यह तय हुआ था कि मैं आज शाम को जाऊंगा, लेकिन आज सुबह ये इत्तला मिली कि 7 फरवरी ही को एक करारदाद मंजूर की गई थी जिसमें सरबरा के ये इख्तियारात एक गैर आईनी इजलास में वापस लिए गए, गैर आईनी तौर पर वापस लिए गए, और वो मखसूस इख्तियारात जो सेनेट की सीट की तकसीम, सेनेट के सीट के टिकट देने के मामले पर वो इख्तियारात मेरे ले लिए गए। गोया के उन्होंने मेरी सरबराही मानने से इनकार कर दिया। एक सरबरा को राबता कमेटी के इजलास में फैसले करने के इख्तियार को उन्होंने ले लिया, सरबरा को नोटिस दिए बगैर, सरबरा को इतला दिए बगैर, सरबरा को इजलास में बुलाए बगैर गैर आईनी इजलास का एक सिलसिला कायम रखा, एक तसलसल कायम रखा। ये सब कुछ गैर आईनी है। आईन की एक शिक को तो इस्तेमाल किया जा रहा है, दो तिहाई दो तिहाई दो तिहाई के नाम से। जिनको राबता कमेटी से निकाला गया उनको भी फोन किए जा रहे हैं, कमाल मलिक भाई को फेडरल बी एरिया के, वो नॉर्थ नाजमाबाद के, नाजमाबाद के एन ए 245 उन्हें फोन किए जा रहे हैं कि अब आप आ जाएं, जबकि निकाला भी खुद। तो बताने का मकसद यह है कि जब अच्छा चले सेनेट का मसला था तो सेनेट के इख्तियार ले लेते चले, अगर सेनेट में ही टिकट की बंदर बांट करनी थी, ये असल बंदर बांट है। जब कामरान पिसूरी भाई की आड़ में इनके बहाने से ये सब कुछ टिकटों की बंदर बांट, दो तिहाई अक्सरियत के नाम पे चंद लोग जिन्होंने कब्जा किया है राबता कमेटी के दफ्तर पर, आरजी दफ्तर पर और राबता कमेटी पर, और राबता कमेटी के अराकीन की नाम नहाद या सादा अक्सरियत को यूज करके वो फैसले किए जा रहे हैं जो कि गैर आईनी है, इसलिए कि कन्वीनियर की अदम मौजूदगी में इजलास हो ही नहीं सकता। कन्वीनियर को बताए बगैर, जबकि वो दस्तियाब है, वो मौजूद है, मुल्क से बाहर नहीं गया है, ये करना, एक तरफ सालिसी का अमल चल रहा है, 7 फरवरी 8 फरवरी 9 फरवरी सालिसी में तय हो गया फार्मूला और वहां से करारदाद पास कर ली गई इख्तियारात लेने की। फारूक सत्तार मीडिया से गुफ्तगु कर रहे थे। आपको बताएं एमक्यूएम पाकिस्तान बहादुराबाद और पीआईबी ग्रुप में दूरियां जो हैं वो बरकरार हैं। 5 रोज गुजर चुके हैं लेकिन उसके बावजूद दूरियां बरकरार हैं, इख्तलाफात खत्म होने का नाम नहीं ले रहे।